हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं MIUI 9.6.2.0 के स्टेबल अपडेट के बारे में, जो कि आपका कल लगभग शाम के 7 बजे के आसपास शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो के लिए रोल आउट किया गया था। लेकिन यहाँ पर टेंशन की बात ये थी कि अपडेट आया था आपका शाम के लगभग 7 बजे के आसपास, लेकिन आपका 4-5 घंटे के बाद ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब भी हो चुका था। तो ये अपडेट वैसे तो काफ़ी सारे यूज़र्स को मिला था, लेकिन यहाँ पर अपडेट का उन्हें पता नहीं लग पाया कि अपडेट आया है या नहीं आया है। लेकिन गाइज, यहाँ पर कुछ ही यूज़र्स इसे डाउनलोड कर पाए हैं। किसी का तो अपडेट डाउनलोड भी हो गया, लेकिन इंस्टॉल नहीं हो पाया, रिबूट डिवाइस नहीं हो पाया, अपडेट वहाँ से गायब हो चुका था। सो गाइज, ऐसा क्यों होता है तो आपको भी जानना होगा। इसके पीछे यहाँ पर कुछ रीज़न है, तो आज मैं आपको कुछ रीजन्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये अपडेट आने के बाद गायब क्यों हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये अपडेट अभी आपको कब तक दोबारा अपने Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलने वाला है। सो गाइज, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सब्सक्राइब करें एमडी टॉक चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ में लाइक के बटन को नीला करें, ताकि आप पाए Redmi Note 5 Pro के आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, अगर इस अपडेट की बात करी जाए तो काफी सारे यूजर्स का कहना है कि उन्हें ये अपडेट नहीं मिला है। गाइज, क्योंकि ये नाइटली स्टेबल अपडेट है, तो पहले केवल कुछ ही सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाता है। सो गाइज, आप में से कोई भी वो यूजर्स हो सकता है, वो तो लक की बात है, चांस की बात है कि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। लेकिन गाइज, जिनको ये अपडेट मिला है तो उनका भी कहना है कि वो वहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर पाए अपडेट को डाउनलोड करने के बाद भी, या फिर बीच में ही आपका अपडेट चला गया। तो आपके कुछ यहाँ पर रीजंस हो सकते हैं। पहला कि आप वहाँ पर जिस टाइम ये अपडेट शाम को लगभग 7 बजे के आसपास ये रोल आउट किया गया था, तो आपने वहाँ पर चेक नहीं किया, आपने थोड़ा लेट चेक किया, तब तक अपडेट वहाँ पर जा चुका था। सो गाइज, लक की बात है, चांस की बात है, वहाँ पर अपडेट आपका चला गया था। सो गाइज, ऐसा ही होता है शाओमी यहाँ पर। पिछले भी कुछ अपडेट्स यहाँ पर, काफ़ी सारे अपडेट्स नाइटली में यहाँ पर रात को रोल आउट करती है, तो आपका कुछ घंटों बाद वो अपडेट चला जाता है। सो गाइज, अगर मैं अगला बात करूँ तो आप में से काफ़ी सारे यूजर्स यहाँ पर जियो की सिम भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर स्पीड लिमिट होती है, जो भी आपकी 1.5-2 GB की स्पीड लिमिट है, अगर आपने मूवी को वगैरह डाउनलोड कर ली तो वहाँ पर वो एंड हो जाती है। सो गाइज, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या फिर स्पीड लिमिट की प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है, वो यहाँ पर नहीं आ पाती। कुछ कम स्पीड की वजह से आप सोचते हो कि अगले दिन हम डाउनलोड कर लेंगे, सुबह डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइज, आप देखते हो सुबह अगर वापस ट्राई करते हो अपडेट को डाउनलोड करने की, तो तब तक अपडेट वहाँ से गायब हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, कुछ यूजर्स का कहना है कि उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पर अपडेट भी डाउनलोड कर लिया, जब वहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आया तो वहाँ पर रिबूट ही नहीं हो रहा आपका स्मार्टफोन, और वहाँ पर अपडेट भी चला गया डाउनलोड करने के बाद। सो गाइज, कुछ टाइम पीरियड होता है इस अपडेट का, अगर आपने वहाँ पर उस टाइम पे डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया तो आपको वहां पर अपडेट मिल जाता है। दोस्तों, ये अपडेट आपका केवल कुछ यूजर्स को इसलिए मिलता है ताकि वहां पर वे रिव्यू दे पाएं कि आखिरकार इस अपडेट में क्या बग्स हैं। अगर सभी को एक साथ अपडेट दे दिया तो काफी सारे बग्स का यहां पर सामना आपको कर सकता है, फिर आपको प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है। तो डेवलपर्स केवल कुछ यूजर्स को देते हैं ताकि वहाँ पर वो अपडेट में देख पाएं कि आखिरकार इस अपडेट में क्या बग्स हैं, वहाँ पर रिव्यू जान पाएं उनके, और गाइस बाद में फिर अपडेट में इम्प्रूवमेंट करके वहाँ पर आपको दोबारा से सभी यूजर्स को अपडेट एक साथ प्रोवाइड करती है। अगर इस अपडेट में बात करी जाए, ये अपडेट आपको अभी कब तक दोबारा देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ, अगर इस अपडेट में ज़्यादा बग्स नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 4 से 5 दिन में ये अपडेट आपको देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पर अपडेट में थोड़े बहुत बग्स हो भी जाते हैं, सो गाइस, आपका वहाँ पर इस केस में पहले इम्प्रूवमेंट होगी इस अपडेट के जो भी बग्स हैं, तो आपको वहाँ पर 10 से 12 दिन का टाइम फिर लग सकता है अपडेट के आने में, तो पेशेंस रखिए। दोस्तों, अगर इस अपडेट के फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो कल मैंने आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता दिया था। अगर आपको फिर भी इसके डिटेल में जानना है कि क्या फीचर्स वहां पर इस अपडेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको MIUI 9.6 के हिडन फीचर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। अगर डाउनलोड लिंक्स की मैं बात करूं तो आपको वहां पर 2 डाउनलोड लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक लिंक तो आपको उन यूजर्स के लिए होगी, वो आपकी
550 MB के आसपास है, जो कि आपके पिछले लेटेस्ट अपडेट पे थे, यानी MIUI 9.5.19 पर थे। जो वहाँ पर जो पुराने अपडेट्स पे थे, जो ज़्यादा ही पुराने, तो आप वहाँ पर फुल जो इसका साइज़ है, फुल रोम वाली लिंक आप चूज़ करें, जो कि आपकी 1.53 GB के आसपास है। दोस्तों, अगर आपका ये अपडेट छोटे वाले लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप फुल रोम वाली लिंक को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपकी 1.5 GB के आसपास है। अगर मैं बात करूं, ये अपडेट आपका केवल कुछ ही घंटों के आने के बाद क्यों चला गया? सो गाइस, जिन्होंने इस अपडेट को डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल भी कर लिया है, तो उन यूज़र्स का कहना है कि वहाँ पर बैटरी लाइफ तो अच्छी मिली इस अपडेट में, लेकिन यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड और कैमरा रिलेटेड इशू आपके दोबारा से यहाँ पर आ गए इस अपडेट में। सो गाइस, पहले शाओमी उन जो कैमरा रिलेटेड आपके इशू हैं, तो पहले उनको वहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करेगी और दोबारा से कुछ ही दिनों में, 8 से 10 दिन में आपको दोबारा से अपडेट को रोल आउट करेगी। सो गाइस, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और पेशेंस बनाए रखें। गाइस, आपको जल्दी मिलेगा अपडेट। बाय बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।